नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के नेताओं के जरिए हादसे में 121 मौतों पर सवाल उठाया गया था। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारे जरिए 121 मौतों पर सवाल पूछने के बाद कैप्टन साहब अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वो सोच रहे हैं कि उनकी अपनी ही पार्टी के सांसद उनसे सवाल कर रहे हैं। दरअसल प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह डुल्लो ने जालंधर शराब कांड की जांच ईडी या CBI से कराने की मांग राज्यपाल से की है। बाजवा ने कहा कि हमारी इस मांग से अमरेंद्र सिंह का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और वो इस हद पर आ गए हैं कि उन्होंने मेरी पुलिस सुरक्षा वापस ले ली है। बाजवा ने मुख्यमंत्री से पूछा कि क्या वो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं? आपको जनता ने चुना है, आप पटियाला के महाराज नहीं है। देखो, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को ये पूछना चाहता हूँ कि कैप्टन साहब, ये बताएं कि आप डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं? आप एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, आप महाराजा पटियाला नहीं। जिस हिसाब का जवाब आपने भेजा है मुझे, तो वहां से ऐसे मुझे बदबू आई उस सवाल में से कि जैसे आप अभी भी अपने सपने में महाराजा पटियाला हों और आपको लोगों की ना कोई जरूरत हो ना आप जवाब दे हो लोगों को। प्रताप सिंह बाजवा ने आगे कहा कि 2 साल पहले अमृतसर में एक रेल हादसा हुआ था जिसमें 60 लोग मारे गए थे। आपने SIT का गठन किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बाद बटाला में एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, SIT का गठन हुआ लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। हम उस SIT के बारे में पूछ रहे हैं जिसका आप गठन कर रहे हैं। क्या जालंधर के कमिश्नर इस मामले में जांच करेंगे? क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट कैप्टन अमरेंद्र सिंह के पास है, राज्य का गृह मंत्री भी होने के नाते पुलिस विभाग उन्हीं को रिपोर्ट करता है। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह ने कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा को राज्य पुलिस के जरिए दी गई सुरक्षा को वापस लेने के फैसले पर अपना बचाव करते हुए कहा था कि यह नियमित प्रक्रिया है और इसका राज्य सरकार से उनकी चल रही तनातनी से कोई संबंध नहीं है। दरअसल बाजवा जालंधर में जहरीली शराब पीने की वजह से हुई मौतों की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।